अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारे किचन में बन रही है बीफ चिली ड्राई। ये मैंने बीफ लिया था और मैंने इसके जो है जूलियन फॉर्म में से कट कर लिया है। आप इसके पीसेस चेक कर लें, बिल्कुल आपने इसका जूलियन फॉर्म में से कट कर लेना है। ये हाफ के जी बीफ है और इसके अलावा जो मैं इस बीफ को मैरिनेट करूँगी वो मैं करूँगी कॉर्नफ्लोर से। कॉर्नफ्लोर है हमारे पास 6 टेबल स्पून एंड हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून विनेगर एंड 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अच्छा, पहले आप लोगों ने देखा था कि ये मैंने छन्नी में रखा हुआ था, वो इसलिए कि ताकि इसका सारा पानी जो है ना उसमें निकल जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब मैं इसके अंदर इसके जो मैरिनेशन के इन्ग्रीडियंट्स है वो ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं विनेगर, 2 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून जो है सोया सॉस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। अगर बेकिंग पाउडर लें आप लोग तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये बेकिंग सोडा है तो हमने 1/2 टीस्पून लिया है। सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और लास्ट में ये ऐड होगा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। अच्छा, ये सब चीज़ें डाल के मैं इसके अंदर इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर इसके बाद हम इसे करेंगे डीप फ्राई। चाहे तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको इजी हो वैसे आप इसको मिक्स करें। अच्छा, ये मैंने जो बीफ रखा था मैरिनेट करके 1 आवर के लिए, अब जो है मैं इसको करूँगी फ्राई। ये मैंने ले लिया है ऑयल, इसमें हम करेंगे डीप फ्राई। इन पीसेस को मैं एक एक करके इसमें डालूँगी, बहुत ज़्यादा तेल गर्म ना हो वरना ये बहुत जल्दी से फ़ौरन से गोल्डन हो जाएंगे। आपने इन सब को जो है बस 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी क्रंची रहें, फिर इसके बाद हम इसको सॉस में ऐड कर देंगे। जब तक बीफ जो है हमारा डीप फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपको इसके फर्दर इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमें इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आप लोग वो नोट डाउन कर लें। अच्छा, इसमें मैंने और लिया है गार्लिक, ये मैंने 8 to 10 cloves लेके गार्लिक को चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने लिए जिंजर, 2 इंच का पीस लेके मैंने उसे कट कर लिया है। ये रेड चिलीज़ हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है स्लाइस फॉर्म में, तकरीबन ये 7 to 8 चिलीज़ हैं। उसके अलावा मैंने इसमें लिया है विनेगर 2 टीस्पून, ओएस्टर सॉस ली है इसमें मैंने 6 टेबल स्पून, ये है वॉरसिस्टरशायर सॉस, ये मैंने लिए इसके अंदर 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास वॉरसिस्टरशायर सॉस ना हो तो आप सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मगर डार्क सोया सॉस, सिंपल सोया सॉस नहीं, डार्क सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसमें लिया है ब्लैक पेपर 2 टीस्पून और थोड़ा सा वाटर, तकरीबन 2-3 टीस्पून वाटर। अच्छा, ये मैंने एक बैच फ्राई करके निकाल लिया है और मैंने बाकी और डाल दिए इसके अंदर फ्राई होने के लिए। अच्छा, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि जो है ना ये टेंडर हुई है या नहीं। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि इतनी जल्दी बीफ जो है टेंडर नहीं होता है, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं किया है, मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट या मैक्सिमम 6 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है। मैं आपको शो करवा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये देखें इतना ईजली ये टूट गया है, तो मतलब ये अंदर से बिल्कुल कुक्ड है। ये देखें, बस आपने इसको 5 से 6 मिनट ही फ्राई करना है, बहुत देर तक के लिए फ्राई नहीं करना है वरना ये जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अभी ये जूसी भी है, क्रिस्पी और क्रंची भी है और बिल्कुल ये टेंडर हो चुका है। बीफ का जो है आप वही वाला पार्ट यूज़ करेंगे जो बैकबोन का होता है, ताकि जो है आपका बीफ आराम से जो है टेंडर हो सके, जो यूजली हम लोग बीफ स्टेक्स में भी यूज़ करते हैं। ये सब फ्राई हो गई हैं हमारी बीफ स्ट्रिप्स, मैंने इसको निकाल लिया है और इसी का जो ऑयल था मैंने उसके अंदर सिर्फ 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसी के अंदर इसकी सॉस को रेडी करूँगी। अच्छा, ऑयल थोड़ा सा हो गया है गरम, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक। जितना ज़्यादा आप गार्लिक लेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा, क्योंकि गार्लिक और जिंजर का जो अरोमा होता है वो बहुत अच्छा सा आता है। तो साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर। बस 1 मिनट मैं इसको करूँगी फ्राई और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी रेड चिलीज़ जो हमने कट करके रखी थी, ताकि वो भी इसके साथ ही फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिलीज़, इसको भी डाल के हम कर लेंगे फ्राई।
बस एक दो मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बीफ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीफ, इसको भी डाल के हम कर लेंगे मिक्स। सिर्फ एक मिनट मैंने इसको करा है फ्राई, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉसेस, साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ वॉरसिस्टरशायर सॉस। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर, ब्लैक पेपर, इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। फिर इसमें जो थोड़ा सा हम करेंगे ऐड वाटर। ये बीफ चिली ड्राई है, मैं पहले ही मेंशन कर दूं, कभी सब बोलेंगे इसमें सॉस नहीं थी, इसलिए मैंने आप लोग को स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये बीफ चिली ड्राई बना रही हूँ मैं। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा वाटर। जस्ट 2-3 टीस्पून वाटर मैंने ऐड करा है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये दो फाइनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें ऐड करूँगी मैं। मैंने लेके 2 कैप्सिकम लेके इसको कर लिया है जूलियन फॉर्म में कट। इसी तरह से मैंने ग्रीन चिलीज ले ली थी 7-8, इनको भी मैंने कर लिया है कट। ये दोनों चीज़ें अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम। अगर आप लोगों को कैप्सिकम नहीं पसंद तो आप लोग कैप्सिकम स्किप भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कैप्सिकम बहुत शौक से खाते हैं सब, तो मैं इस वजह से ऐड कर रही हूँ। यूजली लोग कैप्सिकम ऐड करते नहीं हैं, जिसको पसंद होती है सिर्फ वही लोग करते हैं। अच्छा, कैप्सिकम के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज, इसको भी डाल के हम कर लेंगे मिक्स। बस इसको मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट जस्ट हम इसको छोड़ेंगे दम पे, और फिर हमारी बीफ चिली रेडी हो जाएगी। ये हमारी रेसिपी का है फाइनल लुक। मैंने ये डिश आउट करके आपको दिखा दिया है। इसके अंदर जो है मैंने सिंपल जो राइस होते हैं बॉइल्ड राइस, उसके साथ इसको सर्व किया है। आप चाहें तो इसको वेजिटेबल फ्राइड राइस या फिर गार्लिक राइस किसी की चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।